इस चैनल पर हम आपके लिए मिस्टीरियस इंटरेस्टिंग फैक्ट और जानकारी से भरपूर वीडियोस लेकर आते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबाएं और आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन जल्द से जल्द पाएं। दोस्तों, देखा जाए दुनिया में एक से बढ़कर एक अजीबोगरीब चीजें भरी पड़ी है, जिसमें से कुछ तो ऐसे है जिन्हें देखकर हमारे चेहरे की हवाइयां भी उड़ जाती है। लेकिन घर एक ऐसी चीज होती है जिनके बनाने के समय कोई भी इंसान एक्सपेरिमेंट नहीं करता। लेकिन इस दुनिया में कई ऐसे मकान है जिन्हें देखकर हम लोगों के चेहरे पर अपने आप ही हंसी आ जाती है। इसीलिए आज हम आप लोगों को कुछ ऐसे मजेदार तस्वीरें लेकर आए हैं जिन्हें देखकर हमारे चेहरे पर अपने आप ही हंसी आ जाती है। दोस्तों, देखा जाए तो दुनिया में लोगों का उस जानवर से बहुत प्यार होता है जिसकी वजह से अक्सर हमें लोगों के घरों में कुत्ते दिख जाते हैं। लेकिन यहाँ पर तो हद ही हो गई। इस तस्वीर को देखकर ऐसा लगता है कि इन्हें कुत्तों को कुछ ज्यादा ही लगाव है, तभी तो इस तरह का घर बनाया गया है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कोई इंसान इस तरह के डिजाइन वाला घर आखिर क्यों बनाता है। आजकल भारत में ठंड का मौसम चल रहा है जिसकी वजह से अक्सर लोग हमें चाय पीते हुए दिख जाते हैं, लेकिन यहाँ पर तो हद ही हो गई। अपने घर को जिस तरह इन्होंने बना रखा है उससे दिखकर तो ऐसा ही लगता है कि इन्हें चाय का शौक है। अगर हम अजीबोगरीब घरों की बात करें तो यह घर दिखने में कुछ ज्यादा ही अजीब है। पता नहीं बनाने वाले ने इस तरह का डिजाइन आखिर क्यों सोचा है। लगता है कि इससे दुनिया की सबसे अजीब चीजों के ज्यादा ही लगाव था, तभी तो अपने घर को कुछ इस तरह बनाया है। ऐसे में जो भी इसे देखता है बस देखता ही रह जाता है। अक्सर कहा जाता है कि अगर इंसान के पास पैसा हो तो उसके लिए कोई भी काम नामुमकिन नहीं होता और वह कुछ भी कर सकता है। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि कोई इस तरह की नदी में घर कैसे बना सकता है। लेकिन कुछ भी हो सकता है। दोस्तों, देखा जाए तो दुनिया में कुछ ऐसे मकान है जिन्हें जब कोई देखता है तो हमारे होश उड़ जाते हैं। जैसा कि आप इस तस्वीर में देख सकते हैं कि हाँ, हमें कैसा मकान देखने को मिल रहा है। दरअसल अंदर जाने के लिए यहाँ पर जैसा रास्ता हमें दिखाई दे रहा है उसे देखकर किसी भी इंसान के होश उड़ जाएंगे। लेकिन सोचने वाली बात यह है कि इस तरह के मकान का आइडिया उन्हें आखिर आया कैसे। अगर हम मकान की बात करें तो इसे देखकर ऐसा लग रहा है कि यह दुनिया का सबसे खतरनाक मकानों में से एक है, क्योंकि ऐसी जगह पर यह बनाया गया है वहां पर तो कोई खड़ा होने की बात भी नहीं सोचता है। लेकिन यहाँ पर तो उन्होंने मकान ही बना डाला। इस तरह के बैग्स का इस्तेमाल करता है ताकि वो अपने सामान को इधर उधर लेकर जा सके। लेकिन यहाँ तो हम कुछ और ही नजारा देखने को मिल रहा है। लेकिन क्या कभी आपने इस तरह का मकान देखा है? अगर नहीं देखा तो देख लो, क्योंकि इस तरह के मकान आपको यही पर देखने को मिलेगा। आप लोग पैरों के जूते जरूर पहनते होंगे, लेकिन क्या आप किसी जूते के अंदर रहते हुए देखा है? अगर नहीं तो आप इस तस्वीर को देख सकते हैं, क्योंकि इन्होंने रहने के लिए किस तरह अजीबोगरीब घर बनाया है। अब आप ही बताएं, कोई अपने घर को इस तरह कोई सजाता है? आप लोगों ने अंडरग्राउंड पार्किंग तो कई बार देखी होंगी, लेकिन क्या आपने कभी इस तरह का घर देखा है? दरअसल यह मकान कुछ ऐसा है जो भी इसे देखता है बस देखता ही रह जाता है। और ऐसा हो भी क्यों ना, यह नजारा कुछ ऐसा है कि जो भी देखता है बस देखता ही रह जाता है। वैसे तो आपने आज तक कई सारे घर देखे होंगे, लेकिन हर कोई यही चाहता है कि उसका घर इतना ज्यादा मजबूत हो कि कोई भी प्राकृतिक आपदा आने पर वैसा का वैसा ही खड़ा रहे। लेकिन इन्होंने तो शीशे का ही घर बना डाला। अब आप ही बताएं, शीशे का बना घर कितना मजबूत हो सकता है? ऐसे में जब भी हम इस घर को देखते हैं तो हमारे चेहरे पर अपने आप ही हंसी आ जाती है।